खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको तृप्त कर दीजिए। बिल्कुल हाँ हाँ, किसके साथ है ये? किस क्लास के बच्चे हो? पांच के। क्या नाम है? क्या नाम है? दानिश। पिताजी का क्या नाम है? किस क्लास, कहाँ पे, किस स्कूल में पढ़ते हो? आपके प्रधानाचार्य का क्या नाम, प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? प्रिंसिपल। तेज बोलो, क्या नाम है? बीएससी का क्या नाम है? अच्छा कोनो बात नहीं, अपना नाम जानते हो ना? ठीक है, माता पिता का नाम जानते हो ना? तो बाकी जिम्मेदारी बीएसए साहब की है। अब बीएसए साहब, आपको आभास हो गया होगा कि मेरा देश आपसे कितना सुधर गया है और मेरा देश शिक्षा विभाग जिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। ये स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई है, जिसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी डॉक्टर सी एल शंकर और जिला अधिकारी बी एस ए ओ पी त्रिपाठी जी थे। देख सकते हैं लोगों को जागरूक किया गया। यह रैली पूरे नगर का भ्रमण करते हुए ब्लॉक में पहुंची है। ये नमस्कार, क्या हाल है? और यहाँ बच्चों को जल जल पान कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्या कार्यक्रम है मास्टर साहब? ये क्या कार्यक्रम है जरा बोल दीजिएगा। ये स्कूल रुक के बोलो, चलो बोलो। तो अभियान का चल रहा है। अच्छा, इसकी मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि डीएम साहब है और बीएसए साहब। मैं इस समय द्वारीघाट के ब्लॉक परिसर में उपस्थित हूँ और यहाँ एक बच्चों का लंबा जुलूस उपस्थित हुआ है। मैं बीएसए साहब से जानना चाहूंगा, तहलका न्यूज जानना चाहेगा और यहाँ के लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या कार्यक्रम था बीएसए साहब। ये नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और पूरे प्रदेश में शारदा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल चलो रैली के साथ साथ मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज धोरीघाट ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों के सहयोग से ये उच्च प्राथमिक विद्यालय धोरीघाट से रैली का शुभारंभ हुआ और ये रैली धोरीघाट के कस्बे से होते हुए, जिसमें जो नगर के लोग रहने वाले हैं उनको जागरूक किया गया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें
और जो लोग वोटर हैं वो अगले 19 मई को मतदान करें। तो हर बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है, कोई भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, इसी उद्देश्य को लेके हम लोगों ने आज स्कूल चलो रैली का आयोजन किया और साथ ही साथ मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली। ये किस विद्यालय के बच्चे हैं, मतलब कौन से प्राथमिक विद्यालय? ये नगर के सारे जितने स्कूल हैं धोरी घाट क्षेत्र के, वो सारे लगभग 1000 बच्चे इसमें प्रतिभाग किए, स्टाफ भी हमारा था। और हम लोग फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट रतनपुरा मऊ, पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो आपको गर्मी में देंगे एकदम कूल एहसास, 17 तरीके की फन राइड्स, समुद्री लहरों जैसा एहसास, अब आप लजीज व्यंजन के साथ ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाएं विद फैमिली, इन खूबसूरत नजारों और एडवेंचर राइड्स को एंजॉय कर बनाए आप अपना यादगार पल, परिवार के साथ समय बिताने के लिए चुने एक शानदार मौज मस्ती वाली जगह फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट रतनपुरा मऊ। 3 फीट से कम के बच्चों का एंट्री फ्री, टिकट प्राइस है 400 रुपीज, टाइम है सुबह 10 से 7 बजे तक। द फन बिगिंस मेमोरियल डे वीकेंड।